मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के बाद पहुंचे गोरखपुर। गोरखपुर में कान्हा उपवन जो कार्यक्रम है उसका लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाएंगे। जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि गौवंश को लेकर सरकार काम कर रही है, इस पर अहम जोर देते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। हरेक स्तर पर राष्ट्रीय गोवंश के लिए आश्रय स्थल बनाने के लिए व्याप्त धनराशि प्रत्येक जनपद को उपलब्ध कराई। बहुत सारे जनपदों ने कार्य पूरे कर दिए जिसमें राष्ट्रीय गोवंश को रखने की व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश में चार पांच ऐसे ग्रासित गोवंश को रखने की योजना की जा चुकी। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर महानगर की नगर के लिए है जिसके कारण महानगर के अंदर लगभग 1 से लेकर 1.5 हजार गोवंश को इस आश्रय स्थल पर आसानी से रखा जा सकता है। यहाँ पर जो केयर टेकर होंगे और व्यवस्था से जुड़े हुए लोग होंगे मैं उनसे इसी बात में कहूंगा कि अगर वह पहले ही कैटेगरी तय कर लें, पशुओं की अलग, छोटे बच्चों की अलग, ब्याही हुई गायों की अलग और शेष अन्य गोवंश की अलग अलग व्यवस्था कर देंगे तो जितना शेड उनके पास उपलब्ध है ये 1200 से 1500 गोवंश के रखने के लिए पहले चरण में पर्याप्त मात्रा में है जिसका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा हमें कुछ दिशा में भी बढ़ना चाहिए जिसके गोवंश को संचालित करने वाले आश्रय स्थल स्वयं स्वावलंबी बन सकते। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक ग्रासित गोवंश के लिए 30 रुपये की व्यवस्था प्रतिदिन की अलग से की है लेकिन साथ ही साथ यह भी तय है कि हम लोग आने वाले समय में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ या गोरखपुर में बनने वाले हिंदुस्तान फर्टिलाइजर और उर्वरक निगम से जुड़े हुए जो भी संस्थान करते रहे हैं इनके साथ हमारा एक समझौता होने जा रहा है कि जितने भी निराश्रित गोवंश के लिए बनाए गए आश्रय स्थल हैं इन आश्रय स्थलों में जो गोवंश रहेगा उनके गोबर से कंपोस्ट बनाने का कार्य उस गौशाला के अंदर हम लोग करेंगे और 7 से 7.5 रुपये प्रति किलो कंपोस्ट खाद खरीदने की जिम्मेदारी ये संस्थाएं करेगी। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।